वेरी गुड मॉर्निंग. आज है 12 जून और आज है मेरी एनिवर्सरी. तो एनिवर्सरी का जो मेरा सेलिब्रेशन है वो होगा ससुराल में, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे कि प्रियंका की एनिवर्सरी कितनी अच्छे से धूमधाम से मना रहे हैं. मम्मी को पता है, मम्मी को याद होता है. मम्मी का फोन आया नहीं अभी. मैं बस चाय पीऊँ उसके बाद तैयार होकर जाऊँ. ये 3 कप चाय किस किसकी है? मेरी, तेरी कौन सी है? ये किसकी है? ये मेरी है, मम्मी की है, ये तेरी. तो फीकी कौन सी है? मुझे लगा था मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, बट अभी मुझे याद आया ये सूट मेरे पास है. मैं साड़ी पहन लेती हूँ. नहीं यार, ये पहन लेती हूँ. इसके साथ क्या पहनूँ? इसको प्रेस करने की ज़रूरत तो नहीं है. मेरे ना सूट्स कानपुर में ही है, तो फिर ये यहाँ पे मिल गया. जो आज मैं बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा, मैंने कहा यार जीन्स वगैरह पहन ली तो लोग फिर बोलेंगे ऐसे कैसे पहन के चले गई. हाँ बेटी, तो बस इसके साथ पहनने के लिए कुछ है, ब्लू कलर का, येलो कलर. हाँ स्लिट वाला है नीचे से ऐसे. तो अच्छा, जीन्स भी पहन सकते हैं इसके साथ अगर कुछ भी नहीं मिला तो. ये वाली साड़ी है मेरे पास, ये है ब्लाउज, ये साड़ी. पर साड़ी पहनने का ना मतलब वो नहीं है. अब ये मिल गया तो यही पहन लेती हूँ. साड़ी फिर कभी पहन. बना रहे हैं मूली के पराठे. और ये चाय किसके लिए बन रही थी उससे मम्मी? मैंने नहीं पहनी चाय. हाँ मेरा वेट ना पता है, सुबह मैंने चेक किया 60 kg आ रहा है यार, आई कैंट बिलीव. और मेरे फेस पे स्वेलिंग भी हो गई है. कल मैंने जब ब्लॉग डाला था ना तो लोग बोल रहे थे कि फेस पे ना स्वेलिंग लग रही है. मुझे भी थोड़ा थोड़ा मतलब उस ब्लॉग का देख के लगा कि हाँ मेरे फेस पे स्वेलिंग है. अभी जो मैंने स्कैन करा उसमें 2-3 चीज़ें मेरी ऐसी आई हैं जो कि मैं अभी कन्फर्म हो जाए, देन आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू. ऐसे अगर मैं शेयर करूँगी ना, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाएगी. तो फिर मेरे को मतलब ऐसा हो जाए ना, आपको एंगजाइटी जैसे होना शुरू हो जाता है. एनीवेज आज के दिन को हम इंजॉय करते हैं. चाय मम्मी ने फिर से बना दी तो मैं चाय पीऊँगी और मूली का परांठे के साथ दही खाएंगे. फिर हम जाएंगे अपने ससुराल. और मैं बोल रही ना कि मेरे ससुराल में मेरी एनिवर्सरी के लिए फंक्शन है. एक्चुअली क्या है, कल पूजा थी तो आज पहले तो मम्मी ने बोल सोचा था कि 11 को ही कर देंगे. फिर मम्मी ने सोचा चलो 12 को इनकी एनिवर्सरी भी है तो उस दिन ही कर देते हैं. और हमारी एनिवर्सरी भी मम्मी कह रहे कभी हमने मनाई नहीं इतने अच्छे से, है ना. तो उधर इनकी एनिवर्सरी के दिन ये भी का शुभ काम हो जाएगा. तो फिर 12:30 आज मतलब पूजा तो कल होगी. आज तो मतलब खाने का है तो 70-80-90 लोगों का खाना है. भारत तो बोल रहे थे कि मम्मी भी चले साथ में, प्रीति भी चले, दीपू भी चले. बट हाँ तो प्रीति बोल रही मैंने नहीं जाना है तो फिर मैं ही जा रही हूँ और ये जा रहे हैं मेरे साथ. मम्मी आपको बोला है भारत की मम्मी ने क्या कि आप आना? मुझे तो काम बहुत है आज. तो ना मेरे को ना ऐसे मम्मी वगैरह को बोला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ऐसे भाभी है तो उनके पेरेंट्स भी नहीं आ रहे तो मुझे अच्छा लग रहा है मम्मी वगैरह जाए. तो फिर इसलिए मैंने बोला आप रहने दो जाने से, फिर कभी चल पड़ना है ना कि तो ऐसे ऐसे है. बाकी फिर अगर भैया भाभी के वैसे उनकी ना. मैं हो गई हूँ तैयार, अच्छे से तो नहीं हो पाई बट हो गई हूँ. और सूट तो मुझे ढीला ढीला सा आ रहा है. मैंने क्रॉक्स पहने हैं और इसके साथ मैंने ब्लैक जैगिंग पहनी है. कैमरा की ना थोड़ी सेटिंग्स अच्छे से हुई नहीं है तो कल तो पिछले कल मैंने व्लॉग डाला था उसकी तो पता नहीं क्या सेटिंग हो गई थी. तभी आज मैंने थोड़ी सी सेटिंग करी है इसमें इसकी फ़ोन की यूट्यूब पे वीडियो देख देख के. और अभी बस मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ अपने ससुराल के लिए. मैंने ना बिंदी भी लगा ली. मैंने कहा आज मेरी एनिवर्सरी है तो मैं तैयार हो जाऊँ अच्छे से. और ग्लोव भी मुझे मिल गया. एक्चुअली मुझे बिंदी मिल नहीं रही थी, मुझे पैकेट मिल गया बिंदी का. ऐसे बिंदी लगा लेती हूँ मैं, मतलब आज मुझे लगा थोड़ा स्पेशल से लगा लूँ. और यार इसके ना ये वाले मोती निकल गए. ये ऐसे मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ होती हैं. आज मेरे पास पहनने के लिए अच्छा सा कुछ नहीं मिल रहा था मेरे को. बट नीचे मैंने ना क्रॉक्स ही पहन ली. नेल पेंट ये गिफ्ट मुझे मिल गया पहला एनिवर्सरी का. भारत ने मुझे शूज़ लेके देने हैं वाइट कलर के, तो वो देखते हैं कब लेने हैं. और बस अभी भारत नहा रहे हैं, बस हम फटाफट से निकल जाएंगे. बहुत सुंदर लग रहे हैं बेटी ये, बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है. और सूट के साथ मैच भी हो गए ना. कभी कभी हम सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, फिर भी ऐसा कुछ हो जाए. पहले ना कैसा लग रहा है? लोग बोल रहे अभी अच्छा लग रहा है. गोलू गोलू सा मोटे हो गए ना. 5 kg मतलब 59-60 kg हो गए. 59-60 kg प्रीति का नहीं बढ़ता. ये ना रात को आए थे, थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि एनिवर्सरी ऑब्वियसली यार तो आना तो बनता ही था. एंड फिर
मतलब उधर आ गए थे मेरे ससुराल में, तो मुझे फिर लेने के लिए आए। वैसे मैंने खुद सुबह चले जाना था बट गाड़ी उधर ही थी उनके। मतलब जब हम यहाँ पे होते तो हम कभी इधर होते कभी उधर होते कभी इधर होते कभी उधर होते। और जो जगह हम देख रहे थे ना उसके बाद आपको मैंने बताया बीच में रहेगी वो वाला घर भी उस रेट में नहीं बिका और ये वाली जगह उसमें नहीं मिली। तो पापा बोलते हैं अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और मम्मी ने कुछ बनाया है तल के पकौड़ियों जैसे कुछ करे मम्मी के खा के, मेरे को मम्मी नहीं वहाँ पर भी मुझे खाना है। और परांठे भी बनाए मम्मी ने सुबह सुबह मूली के, आधे मम्मी ने बनाए आधे प्रीति ने बनाए। फिर मैंने सिद्धार्थ को पकड़ा खाने बनाने का, परांठे चपातियाँ कुछ भी हो तो प्रीति काम करती है, बाकी साफ सफाई का मतलब आज तो मैंने कुछ भी नहीं करा यार। जस्ट सिद्धार्थ को थोड़ी देर के लिए मैं सिद्धार्थ के साथ खेली, उसके अलावा आई थिंक आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया क्योंकि मुझे जाना था। और फिर ये भी जब आ जाते तो फिर थोड़ा ऐसे डामाडोल जैसे हो जाती है चीज़ें, वैसे इतना काम नहीं हो पाता, मेरा ध्यान भी इतना नहीं लग पाता काम से ऐसे। और आज बहुत मज़ा आने वाला है। खाना वगैरह सबने खाया और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और प्रोग्राम था नीचे मतलब खाने का। चीनी चीनी डाली हुई है ना दुख है। शुक्र है तुझे फोन नहीं घुमाया। मम्मी कर रहे हैं बर्तन साफ। जस्ट अभी वापस आई हूँ मैं अपने ससुराल से। बहुत अच्छा लगा व्लॉग, बहुत ही कम बनाया। और मेन जो चीज़ थी ना, जैसे कल पिछले कल एकादशी की पूजा थी और आज ब्राह्मणों को खाना खिलाना था है ना, जितने भी पंडित थे तो 25-26 पंडितों का, बट लोग मतलब 100 के अराउंड हो गए थे। मतलब जैसे साथ की फैमिलीज थी उनको भी बुला लिया। तो हमारे कहने का मतलब यह कि आज हमारी एनिवर्सरी भी थी तो ये वाला ही मतलब खाना भी सबने खा लिया मिलके, तो बहुत अच्छा वाला आज जो एनिवर्सरी का है सेलिब्रेशन होकर। मैं वहाँ से खाना भी ले आई थी, मदरी लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती पैक कर दिया कि नहीं दीपू मम्मी प्रीति के लिए खाना ले जाना। और मम्मी बोल रही कि मेरे को बहुत दिन हो गए मैं आऊँगी, अभी बहुत टाइम हो गया ना, आपने भी देखा होगा हमारे मदरी लोग आई नहीं यहाँ पे, तो वो आएंगी। मेरी मम्मी वो तो ये बोल रही थी कि मम्मी दीपू प्रीति सिद्धार्थ तो सबको लेके आना, पर मैंने कहा नहीं यार ऐसे अच्छा लगता क्योंकि ना ऐसे फिर भाभी के मायके वाले भी नहीं आए हुए थे और फिर ऐसे मैं उनको बुला लूँ तो फिर ऐसे अजीब सा लगता है ना कि आपने हाँ यार क्यों ऐसे ऐसे। तो भैया का स्पेशल फ़ोन आया था मेरे जेठ जी का कि नहीं लेके आना, मैंने कहा नहीं ऐसे मैंने जब मैं खाना ले जाते हूँ, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता। एंड बहुत अच्छा लगा सबसे, हमने बातें की और ऊपर जाके मैंने चाय बनाई। एक्चुअली भारत का जो घर है वो ऊपर है, नीचे चाची ही रहती है उनकी, उनकी वो चाची भी है रियल मासी जी भी है, तो वहाँ पे नीचे था सारा सेलिब्रेशन जो भी था मतलब खाना वाना खिलाना था जो, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई। बट बातें हमने खूब की, हम 11:30 के अराउंड गए थे एंड अभी वापस आए हैं, 5:30 हो गए। ये एनिवर्सरी बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ससुराल में गई एंड बहुत सारा इन्जॉय किया, अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत मेरे साथ में है, इससे अच्छी बात और क्या आ सकती है। आप एनिवर्सरी पर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि पॉसिबल नहीं था उनका आना, बट फिर भी वो मेरे लिए आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक हमको काम भी है बहुत ज़रूरी, वो काम व्लॉग में शेयर करूँगी दोस्तों। तो अभी भारत अभी चाय बनाएंगे तो थोड़ी देर में फिर वो अपने मतलब घर चले जाएंगे, मुझे छोड़ने के लिए आए थे। एक्चुअली आने को मैं बस में भी आ सकती थी बट फिर गाड़ी लेके फिर वो थोड़ी देर में चले जाएंगे, कहीं उनको जाना है पापा मम्मी के साथ। और आप लोगों ने मुझे विश किया इंस्टाग्राम पे, लोगों ने मुझे रील्स बना के भेजी बहुत प्यारी प्यारी मेरे और भारत की फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके, मैं शेयर करूँगी उसको इंस्टाग्राम पे। बट आज ना सारा दिन टाइम लग पड़ा है तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। और व्लॉग में मैंने इसको शेयर कर दिया और मेरे को ना पूरियाँ खा के खीर खा के इतनी नींद आ रही है, आपको बता नहीं सकती हूँ। मम्मी बर्तन साफ करके आती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर भारत को देंगे चाय, फिर वो चले जाएंगे। एक्चुअली भारत ना उधर ही थे मतलब ज़्यादातर मेरे ससुराल में अपने मायके में, तो इसलिए व्लॉग में भी मैं उनको ज़्यादा दिखा नहीं पाई, बाकी आपको पता है वो व्लॉग में आते भी बहुत कम है। ऐसे ऐसे ही सारी चीज़ें आ जैसी, मुझे सिंदूर आज मिला ही नहीं तो सिंदूर लगा के मैं अच्छे से तैयार होकर और अच्छे से तैयार होती। और ये जो प्रीति ने मुझे दिया है ना इयर रिंग, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, बट आते ना सिद्धार्थ ने इसको खींच दिया तो बच गई मैंने, तो मेरे ना कान में खून चल पड़ता। एंड शाम का टाइम बस हो गया, ठंडी ठंडी हवा चली है, दोपहर में इतनी गर्मी थी और मम्मी बोल रहे तुम लोग आए तभी लाइट आई है, मेरी मदर ने बोल रहे थे कि पहले लाइट भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। हम लोग ना क्या हुआ कि भारत को ना वहाँ पे ना बर्फ़ नहीं मिल रही थी, तो खाना मतलब जैसे
खाने के साथ पानी तो सब कुछ चाहिए। तो बर्फ लेने के लिए हम दोनों इतना, हाय मेरे कान देखो, तो थोड़ी देर ना खोलती तो फटी जाता। इयररिंग तो बहुत अच्छे हैं बट यार कान पे लगने के लिए मैंने ज़्यादा ही वो कर लिया, मुझे लगता है इसके साथ अंदर को ज़्यादा कर लिया तब शायद होता है, हो सकता है कि ऐसा हो रहा है। और ना सारी चीज़ें ना फ़ोन से जब शूट कर रही हूँ पता नहीं कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है, आप लोग बताना यार कमेंट। थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी लगता है बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आज मेरा तीसरा चौथा दिन है कि मैं फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। मौसम देखो, हवा चल पड़ी है, दोपहर में इतनी भयानक गर्मी थी कि अभी देख के ऐसा लग रहा है कि वाह भगवान जी बहुत अच्छा वेदर कर दिया, ठंडा हो गया एकदम। आई थिंक 29-30 के करीब होगा। अभी मम्मी चाय बनाए क्या? मम्मी भांडे मांज के मुकड़े ने दुनिया ने कहा चाय बनाई। सारे बर्तन साफ कर दिए और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। सब लोग ना पूरियाँ खा के थोड़ा थोड़ा लेट गए तो मैंने कहा चल चाय बनाती हूँ, उठाती हूँ कि शाम का टाइम हो गया है, हम चाय बनाएंगे। मम्मी आप पियोगे चाय ना? इनको चाय पीनी है, मम्मी पिएगी, प्रीति मम्मी पियोगे? मैं पतली चाय बनाती हूँ, मम्मी को अच्छी नहीं होती। मम्मी कह रही है मुझे गाढ़ी चाय पीनी है कि तेरी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं बहुत दूध कम डालती हूँ, चीनी पत्ती मतलब ठीक ठीक डालती हूँ, तो मम्मी को होता है कि चीनी चाय कम हो जाए है ना, बट दूध उसमें खूब सारा होना चाहिए। तो ये हमारी दोनों की लड़ाई होती है। बट एनीवेज मेरे को पतली चाय बनानी है क्योंकि मुझे गाढ़ी चाय नहीं पीनी और हमने पूरियाँ खाई हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए चाय तो बनती है। ये था मेरा आज का व्लॉग, मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग में। और ये बहुत ही खास है क्योंकि आज मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए। वैसे हमें हो गए हैं कितने साल हो गए यार, हमें 2007 to 2022 15-16 years, लाइक 16 साल का प्यार हमारा। तो ये प्यार हमारा ऐसे ही बना रहे, सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। एंड इन 15-16 सालों में मैंने जो चीज़ सीखी है, मतलब जो असली वाली ज़िंदगी स्टार्ट होती है ना वो शादी के बाद होती है। पहले जो लव का मतलब प्यार का टाइम होता है ना वो होता तो अच्छा है, बट जो एक्चुअल रियल लाइफ स्टार्ट होती है ना शादी के बाद स्टार्ट होती है। एंड अभी इतने सारे सालों में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। सो सीखनी तो हर रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, बट जब कुछ ईयर्स हो जाते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता है। सो मुझे भी आज वही वाली फीलिंग हो रही है ना फ़ोन के कैमरे से, तब से ना ऐसे लग रहा है कि बहुत ही डिफरेंट वाली प्रियंका हूँ मैं। लेकिन मुझे एंड ही नहीं करना आ रहा व्लॉग का, वैसे मैं हमेशा मेरा जो रहता है कि इस तरह से करती हूँ। बट एनीवेज खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाय पीते रहिए, वजन कम करते रहिए। आई हैव गेंड 4-5 kg वेट जो कि जब मैं कानपुर जाऊँगी तब मैं कम करूँगी। कम करते रहो, बाय बाय।